नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गौड़ गद्य विधाएं। गौड़ गद्य विधाओं से तात्पर्य है कि जो सामान्य गद्य विधाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो साहित्यिक दृष्टि से मुख्य गद्य विधाओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। गौड़ गद्य विधाएं में आते हैं जैसे कि रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा विवरण इत्यादि है। और मुख्य गद्य विधाएं में क्या आता है? उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक इत्यादि को हम कहते हैं मुख्य गद्य विधाएं। तो आज हम गौड़ गद्य विधाएं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। गौड़ मतलब जो प्रमुख नहीं है, सामान्य है, साधारण है, ऐसी गद्य की विधाएं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रेखा चित्र का उद्भव और विकास। यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में भी कई जगह यह शामिल है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रेखा चित्र से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो दोनों ही दृष्टिकोण से मैंने सभी पहलुओं को इसमें समेट लिया है, इसलिए शुरू से अंत तक इसे जरूर देखें। तो आइए देखते हैं रेखा चित्र का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। अंग्रेजी के स्केच शब्द का पर्यायवाची है रेखा चित्र। अंग्रेजी में हम जिसे स्केच कहते हैं, स्केच कहना करना मतलब स्केच मतलब होता है चित्र बनाना, रंगों की सहायता से चित्र बनाना, इसे कहते हैं स्केच या चित्र। वैसे यह है रेखा चित्र। रेखा चित्र मतलब शब्दों के माध्यम से हमारे दिमाग में चित्र का निर्माण करना, बिंब का निर्माण करना, इसे कहा जाता है रेखा चित्र। हिंदी में इसे शब्द चित्र भी कहते हैं, क्योंकि हमको पढ़कर जो हम पढ़ते हैं तो किसी का बिंब, किसी का चित्र हमारे दिमाग में उभर कर आता है, इसीलिए इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। व्यक्ति चरित्र, किसी व्यक्ति का चरित्र शब्दों में मूर्तमान हो जाता है। शब्दांकन, शब्दों के द्वारा अंकित हो जाता है। चरित्र लेख, चरित्र के विषय में लिखा जाता है, किसी व्यक्ति के चरित्र के विषय में लिखा जाता है, इत्यादि इसके अन्य नाम है। शब्दों के द्वारा जब किसी घटना, वस्तु, स्थान, दृश्य अथवा व्यक्ति का इस प्रकार भावपूर्ण वर्णन किया जाए कि पाठक के मन पर उसका यथार्थ चित्र खींच जाए, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जब किसी घटना का वर्णन इस प्रकार किया जाए, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी दृश्य का अथवा किसी व्यक्ति का, शब्दों के माध्यम से जब इस प्रकार उसका जीवंत वर्णन किया जाता है, भावना को शामिल करते हुए इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि हमारे सामने एक जीवंत चित्र उभर कर आता है, तब इसे कहते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र का एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकास द्विवेदी युग में हुआ। मतलब रेखा चित्र जो आज हम पढ़ते हैं, इसका पूर्ण रूपेण विकास कब हुआ था? स्वतंत्र विधा के रूप में, जैसे कहानी है, उपन्यास है, गद्य की जो अन्य विधाएं हैं, उसी तरह एक स्वतंत्र विधा के रूप में इसका विकास हुआ था द्विवेदी युग में, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में। पद्मसिंह शर्मा रेखा चित्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। परीक्षा में यदि पूछा जाता है कि रेखा चित्र के प्रवर्तक कौन है, तो पद्मसिंह शर्मा को रेखा चित्र का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचना पद्मपराग जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसके द्वारा हिंदी रेखा चित्र का जन्म हुआ। तो यह पहली कृति थी, हालांकि इसको इसके माध्यम से रेखा चित्र का जन्म हुआ है, ये प्रवर्तक है। यह एक निबंध संग्रह है, वास्तव में यह पूरी तरह से रेखा चित्र नहीं है, यह एक निबंध संग्रह है किंतु रेखा चित्र के अत्यंत निकट है। इसीलिए पद्मसिंह शर्मा जी को रेखा चित्र विधा के जन्म देने का श्रेय दिया जाता है। तो विद्वानों ने 1937 ईस्वी में रचित श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमको पहला यदि पूछा जाता है हिंदी का, यदि पहला रेखा चित्र यदि आपको पूछा जाता है तो कौन सा होगा? श्री राम शर्मा जी की बोलती प्रतिमा को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना है। और प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं इत्यादि श्री राम शर्मा के अन्य प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। तो ये परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इनको आप जरूर याद कर लें पूरी तरह से। इसके बाद रेखा चित्र साहित्य में बनारसी दास चतुर्वेदी एक अन्य अविस्मरणीय हस्ताक्षर है, लेखक है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का नाम भी रेखा चित्र लेखन में बहुत ही प्रसिद्ध है। मधुकर नाम की एक पत्रिका प्रकाशित होती हो रही थी, तो इसका एक रेखा चित्र विशेषांक प्रकाशित हुआ था 1946 ईस्वी में। तो इन्होंने इसमें न सिर्फ संपादन किया इसका, बल्कि हमारे आराध्य, रेखा चित्र और सेतुबंध शीर्षक से प्रेरणास्पद रेखा चित्रों का संग्रह भी किया। तो आराध्य, रेखा चित्र और सेतुबंध इनके प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं।
मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक से पूर्व हंस नाम की एक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी। इसका जो रेखाचित्र विशेषांक, यह मार्च 1939 में निकला था और इसका संपादक से श्री सीपत राय। यह भी रेखाचित्र साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आप देख सकते हैं कि रेखाचित्र का विकास उद्भव कैसे हुआ और कैसे उसका विकास होते गया। और हिंदी रेखाचित्र के संसार में रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका नाम अत्यंत गौरवपूर्ण है। तो यह परीक्षा में प्राय इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अद्भुत शब्द शिल्पी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर इत्यादि रचनाएं रेखाचित्र साहित्य की अच्छी निधियां हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की ये जो रेखाचित्र हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इससे हमारा जो रेखाचित्र का जो संसार है बहुत ही समृद्ध हुआ है। तो इस प्रकार हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं रेखाचित्र के उद्भव और विकास के संबंध में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। रेखाचित्र विधा के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? पद्मसी शर्मा जी को। और हिंदी का प्रथम रेखाचित्र किसे कहा जाता है? बोलती प्रतिमा, श्री राम शर्मा। इसके बाद हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह, रेखाचित्र का संग्रह प्रथम किसे कहा जाएगा? पद्म पराग। पद्मश्री शर्मा जी का जो पद्म पराग है इसे ही प्रथम रेखाचित्र संग्रह का दर्जा दिया जाता है हिंदी साहित्य। अब एक अन्य लेखा रेखाचित्र लिखने वाले हुए हैं, हिंदी के रेखाचित्र साहित्य के भंडार में श्री वृद्धि करने वाले रेखाचित्रकारों में महादेवी वर्मा का नाम मूर्धन्य है। महादेवी वर्मा ने जो रेखाचित्र लिखे हैं वे मतलब वो उन्हें शीर्ष पर स्थापित करते हैं हिंदी साहित्य के रेखाचित्र के संसार में। महादेवी वर्मा की जो भूमिका है, जो उनका स्थान है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा हुआ है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका और मेरा परिवार। पथ के साथी में उनके समकालीन साहित्यकारों के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है और मेरा परिवार में मतलब अपने जीवन में जो आने वाले जो विभिन्न जीव जंतु थे उनके बारे में उन्होंने लिखा है। न सिर्फ महादेवी वर्मा के बल्कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रेखाचित्र संग्रह है। तो ये कृतियां न केवल महादेवी वर्मा के बल्कि रेखाचित्र की दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, संग्रह है। 1970 ईस्वी में धर्मयुग के अनेक अंकों में, धर्मयुग नाम का एक पेपर प्रकाशित हो रहा था, पत्रिका प्रकाशित हो रही थी। तो 1970 ईस्वी में धर्मयुग के अनेक अंकों में नीलू कुत्ता, दुर्मुख खरगोश, सोना हिरणी इत्यादि शीर्षक से विभिन्न पशुओं पर महादेवी वर्मा के संवेदनापूर्ण एवं हृदय स्पर्शी रेखाचित्र प्रकाशित हुए। तो उनके जीवन में जो जीव जंतु थे उनके संबंध में उन्होंने इतना भावुक लिखा है कि हमको पता ही नहीं चलता कि जीव जंतु है कि इंसान है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी रेखाचित्र के इतिहास में प्रकाश चंद्र गुप्त एक महत्वपूर्ण रेखाचित्रकार हुए हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त जी भी, जिनके हंस, रूपाव, नया साहित्य इत्यादि पत्रिकाओं में अनेक रेखाचित्र प्रकाशित हुए हैं। पुरानी स्मृतियां, इनकी स्मृति चित्र से संबंधित बेजोड़ रचना है। तो ये जो पुरानी स्मृतियां इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है रेखाचित्र से संबंध में। निर्जीव वस्तुओं, स्थानों इत्यादि विषयों पर 1940 ईस्वी में इनके द्वारा रचित रेखाचित्र रेखाचित्र साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। 1940 में रेखाचित्र के नाम से रेखाचित्र लिखा था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। राजा राधिका रमण सिंह की सावनी समा एवं टूटा तारा एवं 1940 ईस्वी में रचित देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाएं बोल उठी, प्राय परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, हिंदी के प्रसिद्ध रेखाचित्र हैं, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। 1959 ईस्वी में सेठ गोविंद दास की स्मृति कर्ण रचना भी रेखाचित्र साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। इसी क्रम में वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित हल्कू, सत्यवती मल्लिक की अमिट रेखाएं, प्रताप नारायण टंडन कृत रेखाचित्र रचनाएं भी काफी लोकप्रिय हुई हैं। कुछ रचनाकारों ने केवल रेखाचित्र नाम से ही रेखाचित्र लिख दिया है। इसके बाद छठे दशक में 1960 में कौन से लिखे गए, मतलब 1960 वाले जो दशक थे उसमें, छठे दशक में सत्यवती मलिक, अमिट रेखाएं 1951 ईस्वी। वास्तव में जैसे 1950 के बाद जो दशक चालू हो जाता है 1951, 52, 53, तो उसे छठवां दशक बोला जाता है। तो छठे दशक में सत्यवती मल्लिक, अमिट रेखाएं 1951 ईस्वी, विनय मोहन शर्मा रेखा और रंग प्राय पूछा जाता है, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भी यह कृति प्राय, ये कृतियां परीक्षाओं में पूछी जाती है। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1969 ईस्वी। तो इन्होंने भी रेखाचित्र के लेखन में उल्लेखनीय योगदान दिया है और इन्हें प्राय परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। हिंदी रेखाचित्र के इतिहास में उपेंद्रनाथ अश का गौरवपूर्ण स्थान है। रेखाएं और चित्र इनका है, मंटो मेरा दुश्मन,
और ज्यादा अपनी कम पराई, यह तीनों कृतियां भी प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती है। मंटो मेरा दुश्मन, तो उपेंद्रनाथ अष्ट की ये रचनाएं हैं रेखा चित्र के क्षेत्र में। इसके बाद छठे दशक में ही राहुल सांकृत्यायन की बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ था, मेरे असहयोग के साथी, इन्होंने भी रेखा चित्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये सारी रचनाएं जो आपको बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न आते हैं उनको मैंने इसमें समेटने का पूरी तरीके से प्रयास किया है। इसे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ और आएगा। इसके बाद सातवें दशक में एक भारतीय आत्मा, मक्खनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं, इनका अत्यंत प्रसिद्ध रेखा चित्र है समय के पांव। यह बहुत ही प्रसिद्ध और भावपूर्ण रेखा चित्र है समय के पांव, यह भी प्राय आता है, आप देखेंगे परीक्षाओं में। इसी कड़ी में शिव पूजन सहाय की वे दिन वे लोग हिंदी रेखा चित्र साहित्य की एक विशिष्ट उपलब्धि है, जिसकी शैली संस्मरणात्मक है। वास्तव में रेखा चित्र और संस्मरण में थोड़ा सा अंतर होता है, लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं। बाबू गुलाब राय के ठलुआ क्लब तथा मेरे नापिताचार्य निबंधात्मक शैली के प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। निबंधों की शैली में लिखे हुए हैं लेकिन प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं, और ठलुआ क्लब तो प्राय परीक्षा में आता ही है। इसके बाद जैनेन्द्र जी के नाम के राइटर जो हुए हैं उनका है रेखा चित्र हंस, प्रतीक, आजकल इत्यादि विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। 1966 ईस्वी में शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा रचित स्मृतियां और कृतियां रेखा चित्र अपनी मार्मिकता के लिए हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। तो इन्होंने बहुत ही इमोशनल तरीके से इसे लिखा है और हिंदी साहित्य में यह बहुत ही प्रसिद्ध है। सातवें दशक में ही विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जाने अनजाने, हस्ते निर्जर धरती भट्टी एवं डॉक्टर नगेंद्र ने रेखा चित्र के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया। तो ये विष्णु प्रभाकर जी की भी जो रचनाएं हैं प्राय परीक्षाओं में आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित चेतना के बीम हिंदी का अत्यंत प्रसिद्ध स्मृति चित्र है, यह भी आता है परीक्षा में, चेतना के बीम। 1966 ईस्वी में सेठ गोविंद दास के चेहरे जाने पहचाने रेखा चित्र में युग की विषमताओं विडंबनाओं का सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो इसमें चेहरे जाने पहचाने में इन्होंने अपने समय की विषमताओं का विडंबनाओं का बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है। राष्ट्रीय कवि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लोकदेव नेहरू तथा संस्मरण और श्रद्धांजलियां शीर्षक से उत्कृष्ट रेखा चित्रों का सृजन किया है। इनके वर्ल्ड पीपल रेखा चित्र संग्रह में राहुल, मामा वरेरकर, पंत, पुण्य श्लोक, जयसवाल, सरीखे रेखा चित्र अत्यंत उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय है। इस वर्ल्ड पीपल जो रेखा चित्र है रामधारी सिंह दिनकर जी का, इसे भी प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद 20वीं सदी के 8वें दशक में जगदीश चंद्र माथुर कृत, जिन्होंने जीना जाना, हिंदी का एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है। 1963 ईस्वी में प्रकाशित 10 तस्वीरें एक अन्य ख्याति प्राप्त रचना है। तो रेखा चित्र के क्षेत्र में जगदीश चंद्र माथुर ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदी साहित्य के रेखा चित्र के इतिहास में रांगे राघव कृत, पांच गधे, ओंकार शरद, खां साहब, देशकाल पात्र, डॉक्टर सरोजनी महिषी, ये भी हमारे उदय शंकर भट्ट, वह जो मैंने देखा, भदंत आनंद कौशल्यायन, जो ना भूल सका, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कुछ, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंचरत्न विराम चिन्ह ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें से ये खासकर ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कुछ और डॉक्टर रामविलास शर्मा की पंचरत्न और विराम चिन्ह, यह प्राय परीक्षाओं में आता है। इसके बाद कृष्णा सोबती की 1977 ईस्वी में प्रकाशित हम हस्मत एवं भीमसेन त्यागी की आदमी से आदमी तक 1982 हिंदी के मशहूर रेखा चित्र हैं। यह हम हस्मत है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी रेखा चित्र को समृद्ध करने में हंस, नई धारा, मधुकर, धर्मयुग, नया पद, कादम्बनी, रूपाब इत्यादि पत्रिकाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसे जरूर ध्यान में रखें, इन पत्रिकाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर मैंने पूरा समराइज किया है, समरी के रूप में बता दिया कि कौन कौन से प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछा जाते हैं, और हिंदी साहित्य का ये जो रेखा चित्र है इनको आप पूरी तरह से याद कर लें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। तो हिंदी का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, पहला तो पद्म पराग है, पद्मश्री शर्मा इनके लेखक हैं और इन्हें रेखा चित्र का प्रवर्तक कहा जाता है। इसके बाद ये अत्यंत महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में आते हैं, बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, श्री राम शर्मा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मधुकर रेखा चित्र, मधुकर जो पत्रिका थी उसका रेखा चित्र विशेषांक, और इसके संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी जी, ये बनारसी दास चतुर्वेदी। इसके बाद हमारे आराध्य रेखा चित्र और सेतुबंध,
बनारसी दास चतुर्वेदी, यह भी प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, नील के पत्थर, राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचनाएं हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्राय से प्रश्न आते ही है। लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, नील के पत्थर, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद महादेवी वर्मा जी की पूरी रचनाएं यहां पर देख पा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्ड टू वर्ड याद करना है आपको। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका और मेरा परिवार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद सावनी समा, टूटा तारा कहानी संग्रह में संग्रहित संस्मरण, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इसके बाद रेखा चित्र, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच, मिट्टी के पुतले, इनके राइटर हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। एल्बम के लेखक हैं सत्यजीवन वर्मा भारती। इसके बाद रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। लंका महाराजिन, ओंकार शरद, प्राय परीक्षाओं में अभी पूछा जाता है, ओंकार शरद लंका महाराजिन। अमित रेखाएं सत्यवती मलिक, रेखाएं और रंग विनय मोहन शर्मा, ये दोनों कृतियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद बचपन की स्मृतियां, और जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी, राहुल सांकृतायन, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये पूरा आप याद कर लें। बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी, राहुल सांकृतायन, मैं भूल नहीं सका कैलाशनाथ काटजू। इसके बाद नई पीढ़ी नए विचार, और ये जो कृतियां हैं, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कर्ण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, भूले हुए चेहरे, कन्हैया मिश्र प्रभाकर, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो इसमें यह प्रश्न जरूर आते हैं इनसे। रेखाएं और चित्र, मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, उपेंद्रनाथ अष्ट, अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। मैं भूल नहीं सकता ऊपर भी आ चुका है कैलाशनाथ काटजू। स्मृतिकर्ण, चेहरे जाने पहचाने, सेठ गोविंद दास। रेखा चित्र, प्रेम नारायण टंडन, मैं इनका ऋणी हूं, विद्या इंद्र विद्या वाचस्पति। समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी। कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार, संपूर्णानंद, नए पुराने झरोखे, हरिवंश राय बच्चन, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे दिन वे रोग, शिव पूजन सहाय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे हृदय देव, हर भाव उपाध्याय, जवाहर भाई, उनकी आत्मीयता और सहृदयता, राय कृष्णदास, लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, रामधारी सिंह दिनकर। चेहरे जाने पहचाने, सेठ गोविंद दास। स्मृतियां और कृतियां, शांतिप्रिय द्विवेदी। विकृत रेखाएं, धुंधले चित्र, महेंद्र भटनागर। कुछ रेखाएं कुछ चित्र, कुंतल गोयल। चेतना के बीम, डॉक्टर नगेंद्र, अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चेतना के बीम, डॉक्टर नगेंद्र। घेरे के भीतर और बाहर, पद्मिनी मेनन की चांद, डॉक्टर हरगुलाल। हम हसमत भागे कृष्णा सोबती, परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। हम हसमत किसका रेखा चित्र है? कृष्णा सोबती जी का रेखा चित्र है। ली कलीग, भारत भूषण अग्रवाल, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। आदमी से आदमी तक, भीमसेन त्यागी। संस्मरणों के सुमन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मेरे अग्रज मेरे मीत, विष्णु प्रभाकर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन तुलसी की गंध, फणीश्वरनाथ रेणु, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन तुलसी की गंध, फणीश्वरनाथ रेणु। हम सफरनामा, स्वयं प्रकाश। हसो ना तारा, डॉक्टर पद्मजा। तो ये जो रचनाएं हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यदि आज का मेरा एपिसोड अच्छा लगा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही मेरे लेक्चर्स दूसरे छात्रों के साथ भी शेयर करें। और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसको पूरी तरह से याद कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।